CMS ये तीन लफ्ज आपको बहुत सुनने को मिलेंगे और खास तौर पे जब आप हमारे लर्निंग जर्नी में जैसे जैसे ग्रो करेंगे यू विल गेट टू हियर दीज थ्री लेटर्स काफी ज्यादा सी एम एस तो वट एग्जैक्टली इज अ सी एम एस अ सी एम एस इज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम मेरे साथ रिपीट करें कॉन्टेंट सी फॉर कॉन्टेंट एम फॉर मैनेजमेंट एस फॉर सिस्टम सी एम एस इज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा सोचें और लिखें अपने एक पेन और पेपर पे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ आइडियाज आ रहे हैं आपको तो एज द नेम सेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज यू टू मैनेज कंटेंट कंटेंट क्या होता है कंटेंट जिस तरह के हमने पिछले एक लेसन में भी जिक्र किया इज वो मवाद जो आपको इंटरनेट पे काफी ज्यादा नजर आता है इट बी इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ लिंक्स इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ फाइल सो सी एम एस इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर कॉन्टेंट इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि सी एम एस एग्जैक्टली होता क्या सी एम एस को वेब इंजन भी कहा जाता है वेरी गुड एग्जाम्पल इज टू थिंक ऑफ इट एज अ कार इंजन जिस तरह गाड़ी में गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन होता है और काफी ऐसी गाड़ियां इंजन में सेम इंजन इंटरनली लगा हुआ होता है इसी तरह सी एम एस इज द इंजन ऑफ द वेब सो जिस तरह एक गाड़ी में इंजन उसकी फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है आ, बेशक गाड़ी ऊपर से जैसी भी देखने में हो या जैसी भी काम करती हो सीएमएस is manages the engine of a particular management system so cms has a back end and cms has a front end back end area the person who is the administrator in short admin can manage the content of that cms and the front end is how the cms looks from the front तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स जो आप इंटरनेट पे विजिट करते हैं इनफैक्ट मोर देन 70% ऑफ द इंटायर वेब इज़ पावर्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम और इसका जो बैक एंड है वो एडमिन ख़ुद लॉग इन करके उसको चेंज करते हैं इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल इज़ अ फेसबुक पेज तो फेसबुक पेज अगर आप में से कुछ लोगों ने बनाया हो या विजिट किया हो यू यूज़ किया हो तो जिस तरह आप उसकी एडमिन सेटिंग्स में जाके कंटेंट अपलोड करते हैं वैसे ही सीएमएस के बैक एंड से जाके आप कंटेंट अपडेट कर सकते हैं और फ्रंट एंड पे वो आपके यूज़र्स को नज़र आएगा सीएमएस की एक बहुत ख़ास चीज़ ये है कि सीएमएस एम अलाउज़ यू टू यूज़ टेम्पलेट्स सो इंजन अंदर से जैसा मर्जी हो सामने से जो गाड़ी की एक लुक होती है वही आपको नज़र आती है वैसे ही सी के सामने थीम्स होती हैं सी के सामने टैम्पलेट्स होती हैं और वो थीम्स को चेंज करके यू कैन चेंज द लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट बेशक अंदर से इंजन जैसा भी हो सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सी बहुत सारे डिफरेंट तरह के कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो एग्जिस्ट करते हैं या अवेलेबल हैं uh, उनमें से कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वर्ल्ड प्रेस इज इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ सी एम एस दैट इज फ्री एंड ईजी टू यूज एंड वर्ड प्रेस का ही ये कोर्स है और इस पर हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि वर्ड प्रेस को यूज़ करते हुए आप कैसे uh, नई वेबसाइट्स बना सकते हैं फंक्शनैलिटी अपडेट कर सकते हैं बट अगेन इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि सी एम एस की क्या ख़ास फीचर्स होती हैं तो सी एम एस यूजली हैज़ ग्रेट एस सी ओ फीचर्स एस सी ओ का एक कोर्स भी है स्किल्स का जो आप ले सकते हैं और उसमें भी एस uh, uh, कुछ सी एम एस एस का जिक्र है सो uh, so जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूजिंग अ सी एम एस यू कैन डू एस सी ओ फास्ट बिकॉज अ सी एम एस यूजली हैज़ बिल्ट इन एस सी ओ टूल्स एस सी ओ से मुराद सर्च इंजिन ऑप्टमाइजेशन एक और फीचर जो सी एम एस में होती है वो ये होती है कि सी एम एस यूजली हैज यूजर मैनेजमेंट टूल्स अगर आपके बहुत सारे यूजर्स हैं लेट से आपकी एक सब्सक्रिप्शन वेबसाइट है या लोग आपकी वेबसाइट पर आकर कोई परचेजेस कर रहे हैं आप उन यूजर्स को या उन परचेजेस को मैनेज कर सकते हैं थैंक्स टू अ सी एम एस एंड द बिल्ट इन फीचर इट हैज उसके अलावा सीएमएस की एक बहुत अमेजिंग फीचर यह है कि आप इससे ई मेल्स मैनेज कर सकते हैं सो so, अगर आपने अपने यूजर्स को ऑटोमेटेड ई मेल्स भेजनी है योर सी एम एस कैन हेल्प यू डू दैट सी एम एस ऑल्सो यूजली सपोर्ट फॉर बिल्ट इन फाइल टाइप्स फाइल टाइप्स लाइक एच डी एम एल फाइल टाइप्स लाइक पी डी एफ और एक सी एम एस की जो सबसे आ, खास फीचर है वो ये है कि आप उस सी एम एस को एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट आर नोन एज प्लग इन्स और प्लग इन्स का हमने थोड़ा सा पहले जिक्र किया भी था इसके अलावा सी एम एस की एक बहुत ज़बरदस्त फीचर ये है कि यू कैन यूज़ इट टू ट्रैक फाइल चेंजेस तो अगर आपकी फाइल में कुछ चेंजेस हैं आप वो देख सकते हैं उसके अलावा आप फाइल्स को वहां से ही एडिट करने की फंक्शनैलिटी uh, को भी यूज़ कर सकते हैं दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ अ सीएमएस। एम तो आपके जेन में क्वेश्चन आएगा इज वर्ड प्रेस द ओनली सीएमएस? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज नो वर्ड प्रेस इज नॉट द ओनली सी एम एस बट येस वर्ड प्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट सी एम एस एस टू यूज आउट देर। एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि वाई डू पीपल यूज सीएमएस पे लोग आखिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज करते हैं वो इसलिए क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं सो इन ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच इफ यू यूज अ सी एम एस यू आर एबल टू क्रिएट वेबसाइट इन प्रोबेबली जस्ट डे सो पीपल यूज इट फॉर ईज एंड फॉर कंफर्ट एंड फॉर स्पीड और बेनिफिट्स क्या हैं लेट्स एक्सप्लोर यू नो सम ऑफ़ द बेनिफिट्स बेनिफिट्स यही हैं कि आपको स्पीड मिलती है आपको सिक्योरिटी मिलती है आपको स्टेबिलिटी मिलती है दीज थ्री एसेस आर वन ऑफ द की रीजन वाई पीपल यूज अ सी एम एस बट लेट्स लुक एट सम ऑफ़ द कॉन्स क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से सी एम एस शुड नॉट बी प्रिफर्ड या उसके कुछ चैलेंज होते हैं तो वन ऑफ दम इज अ सिक्योरिटी रिस्क सी एम एस अपडेट uh, होते हैं लेकिन दे टेक देयर टाइम सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सी एम एस यूर यूजिंग सो इन दिस केस वी इंकरेज यू कि आप वर्ड प्रेस का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें और कभी कभी सी एम एस को अपडेट करने में डिज़ाइन में कुछ चैलेंजेस होते हैं बिकॉज सी एम एस एक सर्टन वे में कोड हुआ होता है सो so ये एक और चैलेंज uh, है सी एम एस का इज़ द डिफ़िकल्टी इन डिज़ाइन और ऑब्वियसली कुछ फंक्शनैलिटी लिमिटेशन हैं Which you'll while using a CMS, but uh, we'll give you some of the best tips in this course. So we'll make sure that you make the most efficient use of uh, WordPress as a CMS. Last question: What are some of the popular CMSs? So there is Drupal, there is Joomla. We'll be talking more about these CMSs in detail. But for now, just try to understand that CMS is the base engine. Of your website. A CMS will help you do automated emails. A CMS will help you connect your website to social media. A CMS will help you with user management. A CMS will help you with content management. So, we'll get to learn more about CMSs in the future, in future lessons, and specifically how to use WordPress effectively as a content management system.